Hello students, today I will explain you about noun and its types. There are two types of nouns, countable nouns and uncountable nouns. Before I explain you about countable nouns and uncountable nouns, I want to tell you about what are nouns. So let's revise. Nouns kya hote hain? Naming words are called nouns. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें नाउन कहते हैं. जैसे कि किसी पर्सन का नेम हो गया, किसी प्लेस का नेम हो गया, एनिमल्स नेम हो गया, ऑल दीज आर कॉल्ड नाउन्स. नाउ मूव टू काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स दैट वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स. ऐसे नाउन्स जिनको हम नंबर्स यूज करके काउंट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन्स. दीज नाउन्स कैन बी इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. और ये नाउन्स जो होते हैं, जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं, हम उसका सिंगुलर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. गर्ल, गर्ल्स. अब देखिए, गर्ल, गर्ल को आप काउंट कर सकते हैं. हाउ मेनी गर्ल्स इन योर क्लास? यू कैन काउंट देम. तो आप इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, गर्ल्स. इन द सेम वे बैंक, पेंस. बुक, बुक्स. ऑल दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड. इन सब जितने भी नाउन्स हैं हम इनको काउंट कर सकते हैं. एंड वी कैन यूज अ नंबर ऑल्सो विद दीज नाउन्स. गर्ल, वन गर्ल. हम वन गर्ल भी बोल सकते हैं, हम टू गर्ल्स भी बोल सकते हैं. वी कैन यूज द नंबर्स ऑल्सो विद दीज नाउन्स. इन द सेम वे पेन, वी कैन से वन पेन, टू पेन्स, थ्री पेन्स. ओके, सो ऑल दीज आर काउंटेबल नाउन्स. नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट. ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते. दीज नाउन्स हैव ओनली वन फॉर्म. इन जो नाउन्स की फॉर्म होती है वो एक ही होती है, इनकी हम प्लूरल नहीं बना सकते. लेट सी द एग्जाम्पल्स. मिल्क, मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं. वॉटर, बटर, सैंड, ऑयल, फ्लावर, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि इन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते हैं. आपने कभी सुना है कि मिल्क का मिल्क्स नहीं होता ना, मिल्क नहीं होता. वॉटर्स, कभी वॉटर्स बोला जाता है? नहीं बोला जाता. सैंड्स नहीं होता ये वर्ड, है ना. सो ऑयल्स भी नहीं. All these are the examples of uncountable nouns. We can use the expressions with these nouns. अगर आपको एक गिलास दूध चाहिए तो आप कहोगे one glass of milk या one glass of water. We can use the expressions glass of water. We can use expression with all these uncountable nouns, but we cannot make them plural. So this is about countable nouns and uncountable. Let's proceed with the exercise. Identify countable and uncountable nouns. आपको यहाँ पर countable और uncountable nouns को identify करना है. I have written some nouns which you have to identify whether the given noun is countable or uncountable. For countable noun, we will write C. For countable, we will write C and for uncountable, we will write U. Clear? So let's begin. Pot. Pot. Pot ko hum gin sakte hain? Yes. Pot ka plural hota hai pots. Matke jise bolte hain Hindi mein. So we will write Z. Cheese. Cheese aap sab khate hain? Sabko acha lagta hai. Cheese ko aap count kar sakte hain? No. Cheese ko hum count nahi kar sakte. So write U. Pillow, pillow one, pillow two, pillow, pillows भी use करते हैं. इसका plural form भी use करते हैं. और जबकि हम cheese का plural form नहीं use करते, cheeses नहीं होता, कोई word नहीं होता, है ना. Pillow का हम plural use करते हैं, जैसे कि हम pot का pots बोलते हैं. So pillow can be counted. So we will write over here C. Rice. अब चावल, चावल को आप count कर सकते हैं? No, it's not possible. We can use the expression with this word, with this noun. One kg of rice.
one bag of rice. So this is uncountable. Glass. Glass का plural form बनाते हैं glasses. So this is countable. Dust. धूल. धूल को आप देख सकते हैं, एक धूल, दो धूल, तीन धूल, नो. और ना ही इसका plural होता है. Dust is कोई word नहीं होता है. Yes, कुछ नहीं लगता है. Dust, dust ही होता है. So this is called uncountable. Soup. सूप को काउंट कर सकते हैं? नो. यू काउ. देखिए आप सूप के लिए एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, अ बाउल ऑफ सूप. अ बाउल ऑफ सूप वी कैन यूज एक्सप्रेशन, बट वी कैन नॉट काउंट इट. काउ. काउ का प्लूरल बनाते हैं ना काउस. हेयर. आप अपने बाल को गिन सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल. सो दिस इज अनकाउंटेबल. शुगर. शुगर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. शुगर के साथ हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, पिंच ऑफ शुगर, स्पून ऑफ शुगर. वी कैन यूज एक्सप्रेशन विद दिस नाउन. ऑल दीज अनकाउंटेबल नाउन, बट वी कैन नॉट काउंट देम. सो वी विल राइट हियर यू. सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. आई होप यू ऑल कैन आइडेंटिफाई countable and uncountable noun very easily.